हालेलुया। तो स्वागत है आप सबका खुदा की जीवत हजूरी में। जितने भी इस मीटिंग को ऑनलाइन देख रहे हैं या बाद में देखें, परमेश्वर आज उन्हें भी बड़ा ब्लेस करने वाला है, क्योंकि खुदावन की जो हजूरी है वो कभी भी हमें सेम नहीं रहने देती। और मेरा विश्वास है कि जिस बात की खुदावन ने अपनी सुविच्छा को मेरे मन में डाला है, क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है जैसे फिलिपियों 2:13 में कि परमेश्वर ही है जो अपनी इच्छा और सुविच्छा दोनों बातों को पूरा करने का प्रभाव हमारे मनों में डालता है। और जब परमेश्वर ऐसी बातें हमेशा अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए डालता है, तो मैं जानता हूँ कि वो हमारे जीवन से कुछ और भी ज़्यादा अपनी महिमा को प्रकट करेगा, हमें ऊंचा करेगा, हमें हर एक तकलीफ से हर हालात से वो बाहर निकालेगा। और इसलिए ये खुदावन ने, जैसे हमने पिछले संडे कर्म के बारे सुना था, कर्म कि अगर हमारे विश्वास में कर्म नहीं है तो वो स्वभाव में मरा हुआ है। तो आज खुदावन ने सबसे पहले इस बात की सुविच्छा को मेरे मन में डाला। क्या डाला? कि मैं कितने बजे आऊं। हाँ, मैं आकर इस मीटिंग को, आज की मीटिंग की जो प्रेयर है, मैं शुरू करूं, क्योंकि मुझे, मैं तो चाहे 7 बजे भी आ सकता हूं। अगर 7 बजे मीटिंग शुरू करनी है तो नो प्रॉब्लम, मैं 7 बजे भी आके शुरू कर सकता हूं। तो इससे पता चलता है लोगों का प्रेम, उनके अंदर जो परमेश्वर का प्रेम है। इसलिए आज हम इन बातों पर बहुत कुछ सीखेंगे और समझेंगे, क्योंकि जब परमेश्वर चाहता है अपने लोगों के लिए तो उन्हें कुछ करने के लिए कहता है। हमने संडे सुना कि जरीहो की दीवार एक रुकावट थी उस समय के लोगों के लिए, हाँ, इजरायलियों के लिए एक रुकावट थी जो आशीष परमेश्वर ने देना चाहता था, पर जरीहो की दीवार एक रुकावट बन गई। पर उस रुकावट को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा तोड़ा, और आज भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, वो हर एक जरीहो की दीवार व जैसी रुकावटें वो तोड़ने वाला यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा वो तोड़ेगा, आपकी आदतों को बदलेगा और आपको ब्लेस भी करेगा और ऊंचा भी करेगा। आमीन, हालेलुया। तो अभी हम सब आज की इस मीटिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। कितने लोग तैयार हैं जो ऑनलाइन है, क्योंकि प्रेयर हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और जो लोग प्रार्थना में शामिल होते हैं, जब मैं यहाँ पे नहीं भी होता तो मैं हमेशा ही, जब बच्चे यहाँ पे खड़े होकर जब प्रार्थना करते हैं तो मैं उस प्रेयर में शामिल होता हूँ। क्या होता हूँ? मैं उस प्रेयर में शामिल होता हूँ, क्योंकि अगर हमारी शुरुआत सही है, बोलो क्या है, अगर हमारी शुरुआत सही है, शुरुआत, तो एंड जबरदस्त होगा। मैंने कहा अगर हमारी शुरुआत सही है ना तो जो एंड है वो जबरदस्त होगा, जबरदस्त। आमीन, हालेलुया। जैसे जो घर बनाते हैं ना, इंसान घर बनाता है, तो अगर घर की नींव मजबूत नहीं है तो जो उसकी उसारी है वो जबरदस्त नहीं होगी ना। जो नींव घर जो बनाते हैं, जो नींव डालते हैं, नींव, तो अगर घर की जो नींव है वो अच्छे से नहीं डली, वो मजबूत नहीं है, तो उसकी जो उसारी है वो फिर क्या नहीं होगी। तो ये हमारी नींव है, शुरुआत हमारी नींव है, जो परमेश्वर के साथ हम प्रार्थना में बैठ कर आकर शुरू करते हैं। और मेरा विश्वास है कि खुदावन अपने लोगों को अपने वर्ड के द्वारा आज उन बातों से चमकाएगा
उनकी आदतों को बदलेगा। आप जो चाहते हो खुदावन से, क्योंकि बाइबल में लिखा वो सब कुछ तैयार है, पर हम बस हमने तैयार होना है। जो परमेश्वर चाहते हमने वैसा बनना है। हमें अपने हाथों को उठाओ, सब अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस करते हुए धन्यवाद करो परमेश्वर का, दिल से धन्यवाद करो और मांगो आज के दिन के लिए, सब बातों के लिए, आज की वर्शिप के लिए, जिनमें जो भी प्रॉब्लम है, जो खड़े होकर वर्शिप नहीं कर सकते, उनको कुछ दिक्कत आती है, प्रॉब्लम है हड्डियों में, बॉडी में वीकनेस है, मांगो खुदा से, मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर आज में तेरी वर्शिप को, तेरी आराधना को, तेरी हजूरी में खुदा आनंद से, उस आनंद से, उस आत्मा की रूह की भरपूरी से भरकर आज में करने पाऊं यीशु मसीह। मांगो खुदा से कि आज की आराधना में मेरा मन लगे, आज की आराधना के द्वारा परमेश्वर मेरा मन तेरी भरपूरी में, तेरी आत्मा में मैं भर जाऊं और मैं अपने आप को परमेश्वर आज की वर्शिप में तैयार करूं। मांगो मांगो खुदा से, मांगो खुदा से आज की वर्शिप के लिए, आज की वर्शिप मैं इस बात की प्रोफेसी करता हूं, मैं इस बात की, मैंने कहा मैं प्रोफेसी करता हूं कि आज जितने लोग आज की वर्शिप में आनंद से, रूह से भरकर आज आराधना करेंगे, रूह से खुदा का रूह उन्हें छूने वाला है। मैंने कहा उन्हें छूने वाला है, जो ऑनलाइन भी उन्हें छूने वाला है। मैंने कहा आपके हर एक बंधन, वही वर्शिप जो पॉलस और सिलास ने बंदी गृह में की, आज उस वर्शिप का आनंद वो स्वर्ग से, जो खुदावंद ने अपने दास प्रेरित पॉल और सिलास के ऊपर प्रकट करके उस बंदी गृह की दीवारों को तोड़ा, उन बेड़ियों को तोड़ा, आज वो सारे दीवारें आज की वर्शिप के द्वारा अब जब रूह से, आनंद से अपने दुखों को, अपनी बीमारियों को भूल कर जब आप आराधना करो, तो मैं आज इस बात की प्रोफेसी करता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आपकी टांगों के दर्द, आपकी हर एक प्रॉब्लम, आपके रुके काम, आप जिस चीज से भी परेशान हो, आप जो चाहते हो खुदावंद से, आज की वर्शिप के द्वारा आपके हृदय, आपके मन खुले यीशु मसीह के नाम से। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, यस, ऐसा होने पाए, एक एक के साथ खुदावंद आज होने पाए, ऐसे होने पाए खुदावंद। जितने लोग रास्ते में आ रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं खुदावंद उन्हें संभाल कर लेकर आ चुके हो, और आज के दिन परमेश्वर मैं मांगता हूं यीशु मसीह तेरे जीवित नाम से कि जितने लोग आ रहे हैं, जो टाइम से नहीं आते खुदावंद आज की हजूरी के बाद, वो हमेशा आने वाली जितनी मीटिंग हो खुदावंद, वो टाइम से आकर पहले खुदावंद तेरी प्रेजेंस में शामिल होने पाए। मैं मांगता हूं प्रभु, मैं मांगता हूं ये तेरे अनुग्रह की भरपूरी इस चर्च पर, इस मिनिस्ट्री पर, इस तेरे भवन पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि को मांगता हूं खुदावंद। यस पिता, तूने कहा मांगो तो दिया जाए। यस खुदावंद, तेरा वचन सच्चा और पवित्र है। यस खुदावंद, मैं मांगता हूं खुदावंद, जो तेरे दास ने तुझसे मांगा कि इस चर्च की, इस मिनिस्ट्री महिमा, जैसे रोम की कलीसिया की महिमा खुदावंद सारे जगत में हो रही थी, निश्चय खुदावंद इस मंडली की चर्चा तो पृथ्वी की शोर तक लेकर जा चुका है। इस मंडली के साथ परमेश्वर अपने लोगों के साथ तू बड़े बड़े कामों को प्रकट कर चुका है। यस खुदा, जितने इस मीटिंग को ऑनलाइन अपने घरों में देखते हैं, जब बाद में देखते हैं, आज तेरे दास की ये प्रार्थना है मेरे प्रभु, उन लोगों के लिए भी परमेश्वर आज तेरा आत्मा बड़ा चुंबस के साथ उनके घरों में, उनके जीवनों को छुए, उनके जीवनों को छुए खुदा, चाहे वो कैसी बीमारी से, किस चीज से भी पीड़ित है, परेशान है, जितने ऑनलाइन इस मीटिंग को देखने पाए मेरे प्रभु, उनके जीवनों को तेरा रूह छूने पाए खुदावंद, वो आजाद होने पाए, वो तेरी गवाही से आने पाए खुदावंद, तेरी बड़ी गवाही से खड़े होने पाए। मैं ऑनलाइन लोगों के लिए भी आज प्रार्थना करता हूँ पिता, आज बहुत सारे ऑनलाइन लोग के हृदय मन खुले खुदावंद, आज के वर्ड के द्वारा, आज की बातों के द्वारा परमेश्वर तूने ब्लेस करे,
उन्हें ब्लेस करे खुदावंद। वो कैसी भी तकलीफ में क्यों, वो चार पाई व्हील चेयर पर है, कैसी भी दुष्ट आत्मा से परेशान है, किसी भी बीमारी से परेशान है खुदावंद, जकरस के नीचे आज खुदावंद तेरे सामर्थ्य स्पर्श से वो छुए जाएं। यस इन द नेम ऑफ जीसस, तेरे सामर्थ्य स्पर्श से मेरे प्रभु छुए जाएं और वो सेम ना रहे, वो सेम ना रहे। आज की मीटिंग को देखने के बाद खुदावंद ये तेरे दास की ये प्रार्थना है तुझसे। यस मेरे प्रभु, आज बहुत सारे इस मीटिंग का ऑनलाइन लोगों हिस्सा बने प्रभु तेरे जीवित नाम से, आज बहुत सारे इस ऑनलाइन मीटिंग का लोग हिस्सा बने ताकि खुदावंद तेरी ग्रेस को, तेरे अनुग्रह को, तेरे उस प्रेम को जो तूने क्रूस पर किया, यस खुदावंद जो तुझमें सालों से है फिर भी वो परेशान है किसी कारण, खुदावंद आज ऐसी स्वर्ग से बातों से वो छुए जाए। धन्यवाद करता हूँ पिता और विश्वास करता हूँ खुदावंद आज की गवाहियों के लिए, आज की गवाहियां खुदावंद इनके जीवनों में बड़े फलों को प्रकट करे, बड़े फलों को प्रकट करे, आज की गवाहियां खुदावंद इनके मनों में रहे, यस खुदावंद ताकि ये उन गवाहियों के द्वारा खुदावंद तेरे प्रेम को और अपने जीवन में तेरी इस महिमा को देख पाए। यस मेरे प्रभु, मैं श्वास करता हूं, मैं श्वास करता हूं खुदावंद आज की गवाहियों के द्वारा परमेश्वर तू अपने लोगों को बड़ा ब्लेस कर चुका है, बड़ा ब्लेस कर चुका मेरे प्रभु। यस खुदावंद आज का वचन मेरे प्रभु सचमुच तेरी ओर से हो, क्योंकि तेरे वचन में लिखा मनुष्यों में से कौन मनुष्य की बातें जानता, पर तेरा आत्मा तेरी गूढ़ बातें जानता है। और ऐसे गूढ़ बातें जो अंधकार में है, जो छिपी बातें हैं खुदावंद तेरे लोगों के मनों के अंदर, आज वो सब बातें रोशनी में प्रकट हो जाए, क्योंकि तू खुद रोशनी, तू खुद रोशनी है मेरे परमेश्वर, तू जगत का चानन, और तूने कहा जो मेरे पीछे आएगा वो कभी अंधेरे में ना रहेगा। मैं खुदावंद मांगता हूं कि आज के वर्ड के द्वारा जो इनके जीवनों में अंधेरा है, जो अंधेरा है खुदावंद, वो तेरे जीवित वर्ड से, आज तेरे जीवित वचनों से वो अंधकार का अंधेरा आज खुदावंद जाने पाए, और आज तेरा वर्ड इन्हें चमकाए मेरे प्रभु, इनके आत्मिक आंखों को खोले, जैसे आज आए खुदावंद वैसे रहने ना पाए। यस खुदावंद ये जैसे आए वैसे रहने ना पाए। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, और मैं श्वास करता हूँ कि खुदावंद आज की जो मीटिंग है सच में प्रभु तेरे नाम से बड़ी सुपर डुपर हो चुकी है। खुदावंद आज की मीटिंग तेरे नाम से बड़ी सुपर डुपर हो चुकी है। मैं श्वास करता हूँ खुदावंद तो अपने दास की आज बड़ी अगुवाई कर चुका है मेरे प्रभु, वर्षिप में खुदावंद अपने बच्चों की, आज की गवाहियों में खुदावंद, और हर एक बात में आपको धन्यवाद देते खुदा, सारे सिस्टम के लिए, लाइव के लिए, साउंड के लिए, लाइट के लिए मेरे खुदावंद, तेरे नाम को धन्यवाद देते पिता। सच खुदावंद तू सारा इंतजाम को अपने हाथों में ले मेरे प्रभु, और इस पूरी मीटिंग की अगुवाई कर खुदा। यस खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, और मैं श्वास करता हूँ खुदावंद जो मैंने मांगा है, तेरा वचन कहता है कि मैं जहां समर्थी हूं जो तुम सोचते और मांगते हो मैं उससे भी कई गुना ज्यादा करता हूं, और तू निश्चय आज खुदावंद अपने दास की प्रार्थना से खुदावंद ज्यादा कर चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन हालेलुया।